अनुभव करते हैं सर। आपका मार्गदर्शन और सहयोग हमें मिलता रहा है और आगे भी मिलता रहेगा, ऐसी हम भगवान से प्रार्थना करते हैं और आपसे आशा करते हैं। इस सत्र में आपके द्वारा दिए जाने वाला जो उद्बोधन है उसे पूर्व मैं आपके सामने और हमारे प्रतिभागियों के सामने आपका परिचय कुछ रखना चाहूंगा। हालांकि आप किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं, तथापि हमारे प्रतिभागी जान सके कि वो जिनसे आज इंटरेक्शन करने वाले हैं, आप वर्तमान में अंबेडकर विश्वविद्यालय दिल्ली में इंस्ट्रक्शनल डिजाइनिंग के प्रोफेसर हैं। आपने एजुकेशनल टेक्नोलॉजी विषय में अपनी पीएचडी की उपाधि प्राप्त करी है। आपके विशेषज्ञता के क्षेत्रों में वेब 2.0 टेक्नोलॉजीज एंड ऑनलाइन लर्निंग महत्वपूर्ण है। आप एशियन जर्नल ऑफ डिस्टेंस एजुकेशन के सह संपादक हैं, साथ ही आपके द्वारा संपादित ग्रंथों में इंटरेक्टिव मल्टीमीडिया इन एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, केसेस ऑन ग्लोबल ई लर्निंग प्रैक्टिसेस, एक्सेसेस एंड पिटफॉल्स, आप आईजीआई ग्लोबल यूएसए द्वारा प्रकाशित एनसाइक्लोपीडिया ऑफ डिस्टेंस लर्निंग के भी सदस्य हैं, साथ ही आप गुयाना यूनिवर्सिटी साउथ अमेरिका के इंस्टीट्यूट ऑफ डिस्टेंस एंड कंटिन्यूइंग एजुकेशन के डायरेक्टर जैसे महत्वपूर्ण दायित्व का निर्वहन भी 2009 से 2011 तक कर चुके हैं। आप विवाना यूनिवर्सिटी मलेशिया में एजुकेशनल टेक्नोलॉजी लर्निंग रिसोर्सेज के एसोसिएट प्रोफेसर पद पर भी कार्य कर चुके हैं। आप फिजी व ब्राजील के विश्वविद्यालयों में विजिटिंग प्रोफेसर के रूप में कार्य संपादित कर चुके हैं। आप कॉमनवेल्थ ऑफ लर्निंग के कॉमनवेल्थ एजुकेशनल मीडिया सेंटर फॉर एशिया के डायरेक्टर जैसे महत्वपूर्ण दायित्व का निर्वहन भी भली भांति कर चुके हैं। आप इग्नू में रीजनल डायरेक्टर जैसे महत्वपूर्ण पद पर भी कार्य संपादित कर चुके हैं और साथ ही आप छोटू राम कॉलेज ऑफ एजुकेशन तथा टीकाराम कॉलेज ऑफ एजुकेशन हरियाणा में लेक्चरर के रूप में कार्य कर चुके हैं। आप जैसे व्यक्तित्व को पाकर के हम धन्य हैं और मैं आपसे पुनः हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हुए आग्रह करता हूं इस द्वितीय तकनीकी सत्र को आगे बढ़ाएं। प्रोफेसर रमेश चंद्र शर्मा सर। ओके, थैंक यू दिनेश जी। एंड नमस्ते अमिता जी एंड माय वेरी गुड फ्रेंड अक्षत एंड सचिन। आई थिंक दे आर इन द बैकग्राउंड इन द बैक रूम इन देयर होम मैनेजिंग ऑल दिस सेशंस। एंड अभी आप लोगों ने नोट किया होगा कि गूगल मीट ने अपना इंटरफेस चेंज कर दिया, तो बड़ा सुंदर सुंदर सा वो जो थंब नेल बोलते हैं जिसको, वो आ गए और इसके साथ साथ इन्होंने कुछ नए फीचर्स भी इसके अंदर ऐड कर दिए, तो दैट इज ए गुड थिंग। ओके फ्रेंड्स, इन द मॉर्निंग यू हैव मींस द फर्स्ट सेशन, इनफैक्ट आई एम वेरी हैप्पी द इनॉग्रेशन बिगेन विद द वाइस चांसलर ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी। रियली ही इज ए वंडरफुल पर्सन एंड देन अनदर वंडरफुल पर्सन माय नेम शेक, मैं उनको हमेशा यही कहता हूँ, हम दोनों का नाम एक है। सो वाइस चांसलर ऑफ अवर संस्कृत यूनिवर्सिटी एंड मींस इट इज ऑलवेज ए प्लेजर टू लिसन टू हिम। पर मैं तो कई बार ये सोचता हूँ कि ये इतना याद कैसे रहती है इनको इतनी सारी चीजें। मींस मैंने उनको एक घंटा नॉन स्टॉप अपना ज्ञान बांटते हुए लोगों के सुना है पिछले इतने सारे सेशंस में। रियली एवरी टाइम आई अप्रिशिएट कि कितना सीखने का है इनसे, तो वो चीज। और फिर उसके बाद मैडम आए, प्रोफेसर मधुलिका कौशिक। इनफैक्ट ये बड़ा अच्छा रहा, थैंक यू अमिता जी कि आपने पहला सेशन उनका रखा, क्योंकि शी हैज बीन ए फ्रंट रनर इन एस्टेब्लिशिंग ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज अराउंड द वर्ल्ड। मीन्स जब वो कॉमनवेल्थ ऑफ लर्निंग में काम किया उन्होंने, तो इतने सारे उन्होंने प्रोजेक्ट किए और पर्टिकुलरली जो सेम्पा सेम्बा प्रोग्राम है कॉमनवेल्थ ऑफ लर्निंग का, इट इज वेरी वेरी पॉपुलर। और फिर जब उन्होंने वावासान में ज्वाइन किया, तो
वहाँ पर भी जो OER के प्रोजेक्ट हैं, प्लेटफॉर्म्स हैं बाबासाहेब ओपन यूनिवर्सिटी के, वो सारे, तो एक एक अच्छा सीक्वेंस बन गया। अब आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो गई कि ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज क्या होते हैं। तो ये वाला सेशन है प्लेटफॉर्म्स का, कि अब आप ये सोचते हो अभी तक, और हमारे एक बहुत अच्छे दोस्त हैं डॉक्टर दीपक बिसला जी, मेरे ख्याल में वो कल परसों अपने यहाँ पे आप लोगों को दर्शन देने वाले हैं। वो एक बड़ी अच्छी चीज़ बोलते हैं, मुझे उनकी एक बड़ी अच्छी चीज़ आती है। वो कहते हैं हम इंडियंस जो है ना, हम डाउनलोडर्स के तौर पर बड़े फेमस हैं। जो कोई मौका मिला डाउनलोड कर लो, इसको डाउनलोड कर लो। वो कहते हैं कि हमें जरूरत है वो अपलोडर्स की, कि बहुत डाउनलोड कर लिया, अब थोड़ा सा कंट्रीब्यूट भी करना चाहिए। तो अब मैं ये मान के चलता हूँ कि आप सभी लोग एनर्जाइज हो गए कि हाँ भाई ठीक है, हमने OER में काम करना और OER बनाने हैं। तो बना तो आप लोगे, बनाने के बाद उसको कहाँ पर डालोगे? मीन्स कोई ना कोई जगह होनी चाहिए जिसके वहां पर आप अपना जो भी कंटेंट आपने बनाया आप उसको माउंट करोगे। तो वो बहुत जरूरी है समझना, और उसके लिए काफी प्लेटफॉर्म है। पहले तो आप यही मान के चलें कि ओपन एजुकेशनल रिसोर्स हैं, तो डेफिनेटली उसके लिए प्लेटफॉर्म भी ओपन होना चाहिए। और ओपन यहाँ पर दो मेन फैक्टर्स उसमें रहेंगे, जैसे प्रोफेसर कौशिक ने बताया आपको कि ओपन इन द टर्म्स ऑफ एक्सेस, और फिर ओपन इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट आल्सो, तो फ्रीली एक्सेस होना चाहिए। तो कुछ ऐसे कोर्सेज हैं जो क्लाउड बेस्ड हैं, कुछ ऐसे कोर्स प्लेटफॉर्म्स हैं जिनको आप इंस्टॉल करके आप खुद माउंट कर सकते हैं अपना मटेरियल, उनके ऊपर उनको लॉन्च कर सकते हैं। तो मेरा प्लान क्या है कि पहले मैं आपको ऑप्शंस दूंगा, आपको मैं दिखा देता हूं, उनके मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि वो एक प्लेटफॉर्म के ऊपर एक एक सेशन ही हो जाएगा पूरा। बट टू गिव यू एन आइडिया ए रेंज कि कितनी हमारे पास चीज़ें अवेलेबल हैं। उसके बाद फिर हम एक प्लेटफॉर्म को लेकर उसकी प्रैक्टिस करेंगे कि कैसे आप अपना कोई भी कंटेंट, मींस रिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट यू आर क्रिएटिंग, वेयर यू कैन माउंट दैट कंटेंट ऑन दैट प्लेटफॉर्म। ओके, तो सबसे पहले हम ओके, मुझे अपना स्क्रीन शेयर करना पड़ेगा। So, I hope you can see the screen now, which maybe you will be seeing your own photo. And can you just confirm that now you see the Vidyadhan screen? Yes, sir. Okay, very good. So, first of all, those of you who are not aware about it, I suggest that you explore this platform, Vidyadhan, which is by means the our own Indian platform, and very soon the NROER platform of NCERT and some other platforms, they are going to be integrated with this platform. And here anybody, you can see this is the website. I'll just show it about you, that what kind of resources here you can contribute. You can contribute means, just a minute, मेरी दूसरी लैपटॉप मुझे कुछ मैसेज कर रही है। ओके, यस, थैंक यू। सो हियर यू कैन अपलोड योर वीडियो मटेरियल, योर असेसमेंट, योर लेसन प्लान्स, योर टेक्स्ट, इमेजेस, or anything there. And who can contribute? Any person, means any, as an individual in your own capacity, or as your organization. If you are teaching in some university, your college, your university, etc., anyone can join hands here. And here, what can I contribute? You can, means I will show it to you, that there are various projects actually on it, where you can see from here.
There are 21 projects by CBSE which they have launched for, and there are certain projects by NCERT, and these are the state boards there. So you can explore anything, like my good friend Dr. Bitopi is there in this session. She can check with this Assam. There are good number, 196. I think they are the toppers. Yes. Among all the states, Assam is number one in terms of the projects there. So it will, but when you click on it, it will ask you to create your means ID login first. And after that, it will open all these details and then you can go ahead with it. So this is the first platform, the name Vidyadan. And here it is the platform of Diksha. You may be knowing that this Diksha is the digital integration, knowledge sharing, those things. Mostly you will be uploading your e-content on this platform here. So second platform which I want to show you is the universal platform. This is called as Wikibooks. Now, Wiki, we have a special session, and I thank you. I thank Amita ji because she has invited a brilliant young boy, Mr. Rajiv Datta. He will be taking this platform in a much more detail, Wikimedia. But I can show you about a good platform of Wiki Educator. Here is this page, Wiki Educator. And Wayne McIntosh, when like Madam Kaushik was in Commonwealth of Learning. So Wayne, Dr. Wayne McIntosh, he is in New Zealand now. He started this project of Wiki Educator. This is again a Wiki project. And it is one of the platforms where you can create your e-content the fastest manner. Means it is as good as you just open, log in there, create your, the first thing is that you need to sign up. And after that, and all the content on, you may be knowing on Wikipedia, Wikimedia, Wikibook, anything here, they support the license as CC BY SA. Means unless you want to change, choose some other license, by default, they go with, they don't go with ND or NC or other things. Share alike means you just acknowledge and keep the licensing and then go with it. So I have been using this platform. I am available on it. And I think I have conducted around more than 50 training workshops using this platform. And way back as in 2009, since then, we have been training the faculty members. These are our colleagues. These are the all the workshops which has been conducted, and it has been used. Even I remember that the in the University of Mumbai, they have I think their MA economics courses on Wiki Educator. So that is another good platform. You can explore it later on. And this Wikibooks also again. So the difference between these things are that Wikimedia is basically for your media content. So if you have an image, if like I can show it to you, Wikimedia. So this is Wikimedia. It is a global model for free content to the world. Anybody can contribute. That means it is just not that you can upload anything. When you upload it, it will be cleared by the team of editors, and when they found it that it is okay, then they, so these are the platforms all which you can explore. So here it is Wikimedia Commons, Wikimedia Cloud Services, Wikibooks is here, Media Wiki is there. So this is Meta Wiki, Wikimedia, all these things you can explore, and Rajiv will take up a special session on how you can use these platforms. So this is Wikibooks. So you can, you see the subjects here: computers, engineering, humanities, language, mathematics, miscellaneous science, social science, etc. There.
Here you can see more than 3,000 books, they are already available as open content textbooks that anyone can edit. So if someone is there who is present, like I know our good friend Urvashi ji is there in this session, maybe because she was in the morning, she is also now. And if she thinks that, okay, in this social science, if there is some book, and this is a good thing on, say, introduction to sociology, and let me, you know, edit that, contribute to it, you can. But remember that all these things, they are first cleared by the team of editors, means to maintain the quality, actually, and to maintain the quality, and as a security feature also, because to avoid vandalism. तो है ना, कुछ लोगों के दिमाग में खुराफात होती है, वो कुछ भी टाइप कर देंगे, और सो टू अवॉइड ऑल दोस काइंड ऑफ न्यूसेंस एंड नॉनसेंस द एडिटर्स दे ऑलवेज देयर सिक्योरिटी इज परफेक्ट मींस एज सून एज यू टाइप एनीथिंग द मैसेज विल गो टू सम एडिटर्स एंड देन दे विल चेक इट सो दिस इज प्लेटफॉर्म अनदर गुड प्लेटफॉर्म इज दिस अमेजन इग्नाइट The good part here is that you can sell your courses by creating your courses on it, and you can earn royalty. So publishing your resource on this platform of Amazon is free. You don't need to pay. But if you want to sell your course, then you keep 70% and they will keep something. They will, here you see, for products under $3. They will just didn't, and there is no hidden payment fee into it. So they review your content, and after that, if they find it that yet it is of good quality, immediately your content can reach millions of people. Means those of you, because you know when you make a Google search, it is highly likely chances that the first top results they will be from Wikipedia. Make a Google search, the Wikipedia articles, and similarly the Amazon returns. The results, they are also very fast. So that way it can give you. And it is very simple. It is invite based actually. When you click on sign up, it will ask you to submit your details, and then they will send you. After that, you can upload your resource. If you want, you can set your price and then simply publish. So these are the FAQs of this platform. Here you need to click it to request invitation, and then the company will contact you. So this is that platform. Another platform is Kariki. Here you can read it that it is a free and open technology platform to create interactive learning and experiences. Interactive means where the, not as a static, but as a dynamic content to your giving experiences there. So it is for educators, for businesses, and then mainly whatever you want to create and start creating. You can see here there are more than 4,000 products, projects which are already there, and more than 10,000 activities which are available on it, which you can. And already this is Arizona State University, it is TCI. There are many means people who are already using it. So you just need to sign up, create your ID, and after that you can use this platform to create, and you can surf there what is already on the platform, their content, their material from there. So this is kuriki.org. Another one is LearnCloud. Here give your time to make free digital education access to everyone. So there, and you can see these are the people who have already contributed to them, and you can say first you can find a partner, and then on what they are contributing, then you can add your own. So basically here you can pick up a project and then find things which can be added to into it, and then share them and organize them into it. So this is, it is a non-profit organization from Canada at Rumier Initiative there. So you simply need to, this is here you create your profile, and you can sign up either using your Facebook account
or using your email ID, you can create your another account, or if you think that you want to use your Google. But one point here for all of you, I would suggest that as a security feature, please create one email ID, which I call it as a useless email ID, which you won't use for your common communication purposes, and use that for creating your accounts on all these platforms. Means aap log apna Facebook use kar sakte ho, Google use kar sakte ho. Google means your already existing Gmail ID. Par usme ek problem kya rahegi? अभी आप अपना फेसबुक से लॉगिन कर लेंगे तो क्या है कि मार्क जुगरबर्ग जो अमेरिका में बैठे हैं और उनकी टीम बैठी है, वो इमीडिएटली धड़ाधड़ देखना शुरू कर देंगे कि रूसी जी ने कब किस रेस्टोरेंट में खाना खाया, कितने बजे किया, कितने बजे उन्होंने अपने पेट पैरेट को मिर्ची दी और वो सारी चीज। फिर बाद में आप लोग शिकायत मत करना कि आपका जो डाटा है वो कंपनियां यूज कर रही हैं। क्यों? क्योंकि आप खुद उसको एक्सेस दे रहे हो। और इसी तरीके से गूगल है, ये जब करते हैं तो डेफिनेटली दे आर मींस एक्सेसिंग द थिंग्स। इसीलिए आई ऑलवेज प्रेफर आप एक फजूल का एक ईमेल आईडी क्रिएट कर लीजिए और जितने भी ये प्लेटफॉर्म्स हैं इनके ऊपर आप उसके थ्रू, ये जैसे जो रजिस्टर है ईमेल, क्योंकि उसके अंदर कुछ नहीं होगा, आपके ना कॉन्टेक्ट लिस्ट होंगे, डियर वंस के और चीजें, तो वो सेफ्टी एक मेजर है आप लोगों के लिए। बट it depends what how do you think that you want to go about it. So this is another platform, Learn Cloud, there. Then another wonderful platform by Rice University, where you can create your own content, and they have wonderful textbooks, the full curriculum based textbooks on their platform. You can see on algebra, means mathematics is there, sociology is there, physiology is there, anatomy is there, biology, business, calculus, chemistry, you can explore it. All these things, they are easily available to you. So if you think that you want to go with, say, like concept of biology, this course, or college algebra, you want to access, you can access. And if you think that you want to write a book and पैसा कमाना आपका पर्पज नहीं है, आप सोचते हो कि मैं किताब लिखी है, लेट माई स्टूडेंट्स यूज इट, बट उस किताब को कैसे बांटो आप लोग? मीन्स आप ईमेल तो कर नहीं सकते, आपके 5000 स्टूडेंट है तो आप हर किसी को बार बार ईमेल तो भेज नहीं सकते। दीज आर दी प्लेटफॉर्म्स वेयर यू जस्ट अपलोड योर कॉन्टेंट एंड मेक इट अवेलेबल। और ये जो प्लेटफॉर्म्स हैं, दिस प्लेटफॉर्म्स दे आर सो पावरफुल दैट द थिंग्स अवेलेबल ऑन इट slowly they will go into the indexed into the search engines, like Google में चला जाएगा, Yahoo में चला जाएगा, Microsoft के search engine में चला जाएगा, and then any person, आपने मान लीजिए कोई भी एक book लिखा तो वो उसके ऊपर जब कोई Google search करेगा, जैसे algebra and trigonometry के ऊपर, तो definitely the search engine can show this book which is already existing in here. तो सिंपली आप करेंगे क्या, दिस इज हेयर सी एन एक्स ऑथर, तो यू अगेन यू नीड टू क्रिएट योर आईडी ऑन इट एंड आफ्टर दैट यूजिंग देयर प्लेटफॉर्म यू कैन माउंट योर कोर्सेस ऑन इट। सो लेट अस सी दैट दिस साइट विल ओपन वेरी क्विकली। ओके, लेट मी क्लोज दिस एक्स्ट्रा लिंक्स। Okay. In the meantime, this page opens up. Let me move to another platform. This is by Smithsonian Institute, and very recently they have released millions of images. So if you are going to search for wonderful image, go to this website, Smithsonian Learning Lab. And here you can see that there are distance learning and everything under the sun. Whatever you want to find, this is the world's largest museum, education and research complex. This lab is free interactive platform for discovering millions of authentic digital resources. Not only that, you can create your content with their online tools and share them with there. So here you can discover and who is using all these people.
educators like you, curriculum developers like you, librarians, parents, students, museum educators, long list, simply. So here you can see the type of resources which are available. Means image hai, audio hai, video hai, text hai, learning resources, abhi wo samne aapko dikh raha hai, Earth Today, then subjects, browse all collections, like that. So how to go about it? Here it is create or share or learn or discover. It allows you, so you can create, and then means after you create your login into it, then it will ask you that what do you want to upload, then simply add to in there, add its title, its description, and make it available. And this is simple, it is nothing that much complex, that how to create your content using this platform. So here it is saying create your free account. You click on it, and then it is asking you your month year. After that, you can, you know, month, say January, year, okay, somebody born, let us see. And then after, say it is suggesting you your username, and then you will need to log in later. Type you create your, and since it is it is 5 months old child born in January 2021, so it is asking you to have the parent or guardian email because you are not adult. But if you put your date of birth of more than 18 years of age, then it will, after that, simply it will create an ID for you. Okay, so this is Smithsonian Learning Lab. The another one platform is this one. I like it quite good. This is about OER publishing tools. So here we are developing tools that make creating open educational resources easy and efficient. So simply, and it works on a Chrome browser. So if you are using Firefox or Internet Explorer is going to be stopped, now they are using Microsoft Edge there, or if you have your ID on GitHub. आप में से जो लोग थोड़े से ज्यादा टेक्निकल एडवांस्ड हों स्किल्स के अंदर, आई विल सजेस्ट क्रिएट योर आईडी ऑन गिटहब. एंड गिटहब इज अ वंडरफुल रिसोर्स ऑफ हैविंग सो मेनी कंप्यूटिंग रिसोर्सेज अवेलेबल टू यू. एंड देन देयर इज दिस ओईआर इंपोर्टर. दिस टूल कन्वर्ट्स एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट्स. एक्सक्यूज मी सर, बोलो. Hello. Excuse me, sir. Yes, please. Sir, एक बार repeat कर देंगे कि account किसमें open करने के लिए बोल रहे हैं? GitHub, GitHub. Yeah, let me show. It is called as GitHub. Here, this is the website GitHub, where the world builds software. GitHub में क्या है कि लोगों ने छोटे छोटे अपने प्रोग्राम बनाकर, यू कैन नॉट क्रिएट योर, अभी ये देखो यहाँ पर 65 मोर देन दैट मिलियन डेवलपर्स आर देयर, मोर देन 3 मिलियन ऑर्गेनाइजेशंस, और 200 मिलियन कितने अरब हो गया, 2 अरब रिपोजिटरीज देयर, और उसमें से 72% तो वो हैं जो फॉर्च्यून 550 के अंदर वो आती हैं. So you can explore, you can search for a code, you can collaborate with some other people, you can develop something, automate something. Most of the things here, they are freely available to you. So what the code the other people they have created, they have shared it to you, you can create your own and then upload it there. And there is a very good community available here who can help you if you are finding some problem. आपको लगता है कि आपने जो कोड लिखा उसमें आपको कुछ प्रॉब्लम आ रही है, यू कैन आस्क द पीपल एंड देन दे कैन चेक द कोड फॉर यू. सो दिस इज गिटहब. आई एडवाइज दैट इट इज गुड आइडिया टू हैव योर आईडी ऑन इट. ओके, एंड देन देयर इज दिस रीमिक्स हेयर. अभी आपको मैडम ने बताया था पहले वाले सेशन में कि किस तरीके से जब आप अपना डॉक्यूमेंट क्रिएट करेंगे, वेयर इज द
चैट वन हियर आई हैव पोस्टेड द लिंक दिस इज रिमिक्स ओके सो दिस इज गिटहब This is the Learn Cloud, and this is OpenStax platform. Okay, this site is open. You can create your ID on it here, and there are repositories. आप देख सकते हो 37,000 modules available हैं, और you can search it by subject, by language. Here you can see authors. You can create and collaborate. You can rapidly build your custom collections, and if you are a student, you can find and explore the content. Simply log into your workspace, make a module from scratch, or even you can upload your MS Word document and save it from there and simply publish. It is as simple as here. You can create your module within minutes. So let me share you this link. ये आ गया एंड दिस इज स्मिथसोनियन ओके सो दिस इज दैट वेबसाइट ओके देन द अनदर वन इज द प्रेस बुक्स आप में से ये जो टैब है ये दिख रहा है आपको यहाँ पर ये जो W लिखा हुआ दिखा इसका मतलब पता है आपको क्या है सर एक मिनट के लिए क्षमा चाहेंगे आपने अटेंडेंस लेनी है बच्चों की ले लो हाँ सभी प्रतिभागीगण ध्यान दें उपस्थिति का लिंक चैट बॉक्स में भेज दिया गया है अपने पंजीकृत ईमेल आईडी से कृपया अपनी उपस्थिति सुनिश्चित करें धन्यवाद Okay, so this is another platform. Here you can see it is Pressbooks. आप में से जो लोग जानते होंगे WordPress, ये जो इस वेबसाइट मेरे यदि आपको मेरा माउस पॉइंटर दिख रहा हो तो ये जो नीले रंग के अंदर W लिखा हुआ है दिस इट मीन्स दैट दिस वेबसाइट दिस पेज इज बेस्ड ऑन सम WordPress मॉड्यूल ये देखो यहाँ पे नीचे छोटा सा आपको एक आइकन दिखाई देगा ये WordPress का So using and WordPress is free. You just need to install it on your servers, and then you can create your own websites. It's and it is wonderful. Means a platform to go about it. Similarly, this is Pressbooks platform, and you can see that it is your partner in open publishing. So we support people and institution in building and sharing your ideas. आप चाहे एडुकेटर हो राइटर हो रिसर्चर हो स्कॉलर हो आर्टिस्ट हो कुछ भी आप जो बनाते हो दे दिस वेबसाइट ऑफर्स यू सर्टेन टूल्स विद द हेल्प ऑफ विच यू कैन क्रिएट योर कंटेंट यू कैन अडेप्ट द कंटेंट एंड शेयर योर कंटेंट सिंपली यू नीड टू गेट स्टार्टेड और यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हो दैट व्हाट योर एज ए सेल्फ पब्लिशर आप लोगों ने कोई ई बुक पब्लिश करना है और कोई इन प्रिंट जैसे लुलू एक प्लेटफॉर्म है LULU आप गूगल में वैसे भी आप सर्च कर सकते हो लुलू प्लेटफॉर्म के बारे में और यू कैन क्रिएट ए फ्रीमियम अकाउंट टू टेस्ट बिफोर इन्वेस्टिंग फिर एज ए फैकल्टी ऑथर्स यू कैन क्रिएट योर ओन टेक्स्ट बुक्स इनका प्लेटफॉर्म यूज करते हुए या फिर एज एन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन यू कैन यू नो क्रिएट योर आई डी ऑन इट एंड देन एंड हेयर देयर प्रोडक्ट्स यू कैन चेक दैट LMS के ऊपर then their directory is available on this global business, human nutrition, anatomy, physiology, communication at work. There are so many things there. And these things, they you can do it. Deliver OER in 10 plus file formats. And file format here means image, audio, video, assessment, whatever you think. Then it gives you mathematical notations. आप में से जो कहे कि मुझे केमिस्ट्री के फॉर्मूले बनाने हैं मैथमेटिक्स के फॉर्मूले बनाने हैं ये आपको अलाउड करता है यू कैन एम्बेड योर मल्टी मीडिया आप में से जिनको H5P का एक्सपीरियंस है सो यू कैन एड योर असेसमेंट इन टू इट
एंड इट इज सिंगल साइन अप. सिंगल साइन ऑन होता है आपके इंस्टीट्यूशन के लिए. आपका जो इंस्टीट्यूशन में ईमेल है, आप ईआरपी उसी से एक्सेस करते हो, आप यूनिवर्सिटी का ईमेल उसी से एक्सेस करते हो, उसको बोलते हैं एसएसओ, सिंगल साइन ऑन. मल्टी आईडीज बट सिंगल पासवर्ड, तो वो भी यहाँ पर इंटीग्रेट किया जा सकता है. और पब्लिश योर बुक विद ब्यूटीफुल बुक टेम्पलेट्स, ये. देन क्रिएट ए सोशल एनोटेशन लेयर सो द पीपल दे कैन यू नो यूज इट. यू कैन इंटीग्रेट दिस विद योर लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम. आप लोगों के पास जैसे मूडल है या दूसरा और कोई कर रहे हैं वो. एंड दिस इज प्रेस बुक्स ओपन सोर्स. एक्सेसिबिलिटी फीचर्स आर देयर. एक्सेसिबिलिटी होता है चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, जैसे हियरिंग इम्पेयर्ड है या विजुअली इम्पेयर्ड है, उन लोगों के लिए वो चीज. सो दिस प्लेटफॉर्म ऑफर्स यू दैट फैसिलिटी ऑल्सो. एंड देन दिस इज अनदर माई फेवरेट, मेरलॉट, a project of CSU, and you can become a member. It is a free and open online library designed for educational community and learners around the world. एक तो इनका डेटाबेस, ये तो पेज मैं आपको दिखा रहा हूँ आपको अपना रजिस्टर करने के लिए है, ये आपको यहाँ पर देगा. और ये आप देखो, ब्राउज कर सकते हो आप materials. You can add material. You can create your own material with their content builder, and you can create your course e-portfolio. You can launch your complete course using it. And here it is, you know, browser. आप उनका search देख सकते हैं. This is really a one of the best platforms available there. And you can see the disciplines. हजारों के अंदर business के ऊपर लगभग 9000. एजुकेशन सब्जेक्ट जिनका है 11000 के ऊपर रिसोर्सेज हैं. ह्यूमैनिटीज 10000, मैथमेटिक्स, साइंस, स्टैटिस्टिक्स, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, सोशल साइंस. फिर मटेरियल टाइप, मटेरियल टाइप में आप ये देखो कितनी वैरायटी आपको दे रहा है, आप क्या ढूंढना चाहते हो. एनिमेशन है, असेसमेंट, असाइनमेंट, केस स्टडी आपने बनाना है, डेवलपमेंट टूल आपको ये देख रहे हो, ड्रिल एंड प्रैक्टिस, ई पोर्टफोलियो, लर्निंग ऑब्जेक्ट रिपोजिटरी, ऑनलाइन कोर्सेज हैं 8000 से ज़्यादा. फिर प्रेजेंटेशन हैं 20000, क्विज बनी हुई हैं ऑलरेडी आपके, यूं का यूं आप उनको ले सकते हो आप अपने कोर्स के लिए. सिमुलेशन, सिलेबस आपको बनाना है, आपके प्रिंसिपल ने आपको बोल दिया कि दीपिका जी तुहानू नया कोर्स लॉन्च करना, आपको पता नहीं सिलेबस कैसे बना, यहाँ से आपको आइडिया मिल जाएगा. ट्यूटोरियल्स सी, एंड ऑडियंस लेवल क्या है, प्री प्राइमरी लेवल से लेकर प्रोफेशनल, ग्रेजुएट, कॉलेज वगैरह वगैरह. फिर एंड्रॉयड बेस्ड, ब्लैकबेरी, आईओएस, विंडोज, यू कैन यू नो सर्च एंड देन यू कैन क्रिएट आल्सो बाय क्रिएटिंग योर ओन आईडी ऑन दिस प्लेटफॉर्म्स. ओके नाउ एंड अल्टीमेटली वन ऑफ अनदर गुड प्लेटफॉर्म सुपर इजी इज by the their own people who deal with OER first hand. This is called as OER Commons website. Now let me share this link with you. OER Commons, it goes here. And let me close this other window so that they don't eat up the memory of my browser. Okay, so this is, I hope I shared you the link for Merlot. Again, it comes here. Okay, and now this is, open education has never been easier, and it is easier. I have a good friend. उन्होंने अभी अपने कुछ कोर्सेज लॉन्च किए हैं इसके ऊपर, अपने रिसोर्सेज डाले हैं. एंड यू कैन सी द हेयर, वंस यू अपलोड इट, इट विल वेट फॉर द अप्रूवल बाय द ओईआर कॉमन्स प्लेटफॉर्म. एंड व्हेन दे अप्रूव इट, दे विल सेंड यू एन इंफॉर्मेशन. हेयर से डियर दीपिका कोहली, योर रिसोर्स हैज बीन पब्लिश्ड एंड कैटलॉग्ड इन अवर डिजिटल लाइब्रेरी. दिस मीन्स your item, here is the name of the item, is fully accessible to all users and available for sharing across the site. Thank you for contributing, OER Commons team. Okay, and means
this is as good as available. Let me show you that the resource which is she has created on this platform is this one. You can view the resource. और इसकी इस प्लेटफॉर्म की एक मुझे अच्छी चीज क्या लगती है, इसका मेटा डाटा. द मेटा डाटा इज वंडरफुल. नाउ माय क्वेश्चन टू यू, हु विल टेल व्हाट इज मेटा डाटा? उर्वशी जी, राजा जी को अटेंडेंस की चिंता है. दिनेश जी, उनकी चिंता दूर कीजिए. कौन बताएगा? सर, लॉट्स ऑफ डेटा पे जब एनालाइज करके जो डेटा आता है, दैट इज मेटा डेटा. दोबारा ट्राई करो. कोई और अलग से कोई डेफिनेशन देना चाहेगा? What is metadata? You can make a Google search, no problem. I don't see your screen. What you are doing? Anji. It is a set of data. Okay. That talks about other data also, or maybe. Okay, you are there, but there is a very shortest definition about metadata, and that is data about data. Right. So what is metadata? Is data about data. And what is that? You can see here, this is called as metadata. और आप लोगों को मैं दूसरा एग्जाम्पल देता हूँ. पुराने टाइम में आजकल तो नहीं आती हैं, बट पहले आपने देखा होगा या लाइब्रेरी के अंदर भी रखी हो, जो वीडियो कैसेट होती थी VCR वाली, उसकी जो स्पाइन जो जहां पर लगते हैं वहां पे आपने देखा होगा कि एक कोड सा लिखा होता है, जैसे आजकल बार कोड चलते हैं, और उसको देख के वो बता सकते हैं कि ये क्या है. उसी तरीके से मेटा डाटा होता है कि इंफॉर्मेशन अबाउट दैट पर्टिकुलर रिसोर्स, दैट इज कॉल्ड एज मेटा डाटा. एंड हियर ओवरव्यू, सब्जेक्ट फिजिकल जियोग्राफी, लेवल दिस रिसोर्स इज एप्लीकेबल टू अपर प्राइमरी मिडिल हाई स्कूल, ग्रेड 5 से लेकर 12 तक, मटेरियल टाइप है, ये डायग्राम है, गेम है, इंटरेक्टिव लेक्चर है, ये अभी अभी वेरी रिसेंटली 29 मई को ऐड किया गया, एंड द लाइसेंस इज CC BY, सो यू कैन वेरी वेल, एंड इट इज ए इंटरेक्टिव वीडियो. सो CC BY मींस आप ये डॉक्टर दीपिका का ये रिसोर्स डाउनलोड करके और आप इसको मार्केट में 10 रुपये में, 100 रुपये में बेचना चाहो तो बेच दो, दीपिका जी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा. You want to edit it, modify it, you can do it. Now let us see how to do it. And this is the platform where we will do some practical course. First of all, you need to register yourself. And since I have already my ID on it, so I will simply sign in. And here, this is my ID. What we have done, we have created a one group also here. I don't know if someone in this session present is already a member or not, but otherwise, if you want to join us, you can join. This is called as the Innovative Educators from India. And already there are some members into it. You can see Dr. Parveen Sharma is there, Ambika is there, Babita, Chinmay, Nilesh, Pallavi, Preeti, and Rajiv. Oh yeah, he is Rajiv Datta, जो अभी कल परसों में आप लोगों को पढ़ाने वाले हैं, एक सेशन लेंगे विकी के ऊपर. So these are members. You are free to join it. Means you can search for innovative educators and just send and then. Now how to create your course content? Means there it is very simple. Submit from web or open author. So there are two. If you have located a good resource on the internet, which you think that can be shared with someone, so simply click on it, and after that it will open the page. And here there are only three simple steps. Enter the web address. So like SL Shri Lal Bahadur Shastri. आप क्या लिखते हो? श्री लाल बहादुर शास्त्री संस्कृत यूनिवर्सिटी. ओके, हियर
So suppose I got this ID, URL, I copied it and I added it here and then continue. Then it will ask is resource ke bare mein something to write. So, okay, it is taken here and this is the short description and then who are the authors. And after that, you need to select the license. So see here, it is so easy for you. You simply just click on any and then mere khayal mein aap logon ke paas madam Madhulika ji ek alag se ek session lene wale hain afternoon mein. So on licensing, so these are the licenses available. And after that, you need to explain subject area, education level, material type, language, and this, that, and then simply, and here, see, this software ki ye badi achhi cheez hai. वो अपने आप ही उन्होंने टैग, ये टैग क्यों जरूरी है, क्योंकि जब आप गूगल में सर्च करते हो तो ये टैग वहां पर काम आता है. इसलिए जब आप अपना कोई भी कंटेंट अपलोड करें, जितने भी उससे पॉसिबल आप चाहते हो कि आपके कंटेंट को ज्यादा से ज्यादा लोग देखें, तो ट्राई टू एड ए गुड टैग अबाउट इट. टैगिंग इज समथिंग सिमिलर, यू नो दैट यू टैग योर फेसबुक फ्रेंड्स और ऑन दैट. That way you do it. So एक तो तरीका है, ये तीन step है simply. This is online URL you want to add about something. Then the another one is to create a using their editor. So let us do this here. And again, this is very simple. It is asking us to enter a resource title. So, okay, let us just copy paste. So this is our course. I will just copy paste something from there. I hope someone of you maybe have registered in this course. This course is by Dr. Deepika Kohli, Innovative Pedagogical Strategies for Exceptional Learners. And this is open access course. Means we allowed the Creative Commons license on it. So let us see what we can take. That will be easy. Means since it is our own course, so there is no problem of copyright with us. Okay, so let me select this. What is special education? I will simply copy paste it. So here I will say this is my title. So add, enter the resource title is this. What is special education? After that, it is asking me up to 10 MB, I can add an image. So here, this is the image. And okay, here that photograph I can add. All these images I take it from Pixabay. Now Pixabay is a website, which is very good website. The beauty of this website is that if you select, this is pixabay.com. Here the link has been shared. If you select any, and it has millions, over 2.3 million high quality images, video, music. So if you want to search something, say on education, and if you think that, okay, you like this photograph. So here you see, this is the license. फ्री फॉर कमर्शियल यूज. एंड आप में से जो थोड़े से सुस्त लोग हैं, जो ये नहीं चाहते कि नहीं अमिता जी का मटेरियल मैंने कॉपी तो कर लिया, बट अमिता जी को साइट क्यों करना है ना, नहीं मन है आपका करने का, तो अमिता जी के मटेरियल को तो मत छेड़ो. बट आप पिक्साबे पर आकर ये कह सकते हो, यहाँ पे इन्होंने खुद ही बोल रखा आपको, आप नहीं करना चाहते कोई बात नहीं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, नो एट्रीब्यूशन इज रिक्वायर्ड. सो सिंपली यू कैन free download it and then put it there. So
But ethically, it is a good idea that you can simply use this URL and share it in your thing. That is it. So here it is, the title image. Now, if you want to give some section name, you can put section name. And here is the main content. So what I will do, I will just copy certain text and go back here and paste it. Means otherwise you can type it. The point here, you can your import it from your MS Word or import from your Google Drive. And here attach section resources. Say if you want to attach any PPT or something, then you can do it from there. And then next section, like as a course, as a module in it, you go with that. Okay. And then if you want to save this draft, so you save it, otherwise move on to the next one. So here, now I need to describe here, this page is for metadata. Then overview means I can just simply write special education and what attribution. No strings attached, means it is CC BY, or I can select any of the license from this drop down. In CC BY, no derivative, share alike, no commercial, depend, or you can even make it public domain, whatever you think it will be okay, you can just select. Here it is asking you subject, which subject? Okay, say I say it is for, means art and humanities, you can scroll down. Performing art, business, communication, agriculture, and then here is education. Okay, let us select early childhood. Then education level, middle school. I'm just at trending, selecting something. And what is this material type? It is a homework assignment, but otherwise both lambi list hai, and you can choose many things, whatever you want. It is a full course, lecture, module, wo jo bhi cheez hai, game, etc., etc. Anything you can add it. Then language. Oh, वर्ल्ड का बहुत सारा लैंग्वेजेस में आपके रीडर को पता रहे कि कौन सी लैंग्वेज के अंदर वो आ रहा है. मींस यू कैन फाइंड योर लाइक उड़िया इज देयर, तमिल तेलुगु यू कैन फाइंड मोस्ट ऑफ द आई दैट इज गुड. संस्कृत, दिनेश जी कितना खुश होंगे संस्कृत को देखकर. और आज नरेश आए क्या, अमिता जी हमारा रेगुलर नरेश जी प्रेजेंट है या नहीं है? फिर देन नहीं बार नहीं है सर, नहीं है इस बार नहीं है. 500 रुपए बचा लिए उन्होंने अपने. देखो मीडिया फॉर्मेट्स, इवन यू कैन हैव ब्रेल थिंग, डाउनलोडेबल डॉक्यूमेंट्स, ई बुक. सो व्हाटएवर यू वांट. देन एजुकेशनल यूज क्या है, फॉर व्हाट पर्पस, इज इट फॉर इनफॉर्मल एजुकेशन एज ए पार्ट ऑफ ए करिकुलम और व्हाट. देन हु विल बी योर प्राइमरी यूजर, किसके लिए आप ये बना रहे हो, टीचर के लिए है, स्टूडेंट के लिए है, पेरेंट के लिए है, हु इज योर टारगेट. देन एक्सेसिबिलिटी, यू कैन टेल द वेदर ऑडिटरी है, विजुअल है, ऑडियो डिस्क्रिप्शन, कैप्शन, वर्बेटिम कैप्शन, एनीथिंग व्हाट दैट विजुअलिटी. एंड हेयर इज द की टैग्स विच आर अवेलेबल. आफ्टर दैट यू जस्ट एक्नॉलेज एंड क्लिक ऑन पब्लिश. बस इतना ही काम करना है आपको. देन यू विल सी here it is published, but the status is pending. Pending means now, and say ye jo mera photo tha, jo title tha, aur ye star hai. Abhi aap logon ko dekho, Dr. Deepika ka jo course hai unko 5 star mile hue hain aur mujhe ek bhi star nahi diya aap logon ne abhi tak. So there you have this description, here is this logo, and the people when they visit your website, they can leave their comment. And then once the team, they check it, after that they will send you this kind of message, and then it will be made available, like this is available on the site. So this is as simple, but since this is a we did it as a test, so I'm just retracting it. And then now its status will be changed, it will become now as a status has changed to private. It means only I can see it. And that's how you can. So this is, and now let me show you the collections the on this platform. This is the
I think this is the biggest repository on open educational resources where you can search for collections. So many things these are available to you which you can search. Wonderful. In thousands they think they are available. So here we are going into explore. See here, subject area. जो ब्रैकेट में जो फिगर है वो नंबर है उनका के कितने, एजुकेशन के ऊपर लगभग 5000 होने को है. सो यू हैव अप्लाइड साइंस, आर्ट, ह्यूमैनिटीज, हिस्ट्री, लॉ, देन मटेरियल टाइप, एक्टिविटी, लेसन प्लान, सिमुलेशन, सिलेबस, वट एवर यू वॉन्ट टू सर्च, एंड देन एजुकेशन लेवल, दिस दैट, देर आर सो मैनी मीन्स यू कीप ऑन सर्चिंग एंड देन वट एवर यू वॉन्ट यू कैन एड इट देयर. ओके, so now let me stop sharing and if there are any questions then we can take up. Otherwise I think around 4 o'clock we have a special question answer session. So this is okay. Dinesh ji, over to you. You spoke about ji, bahut bahut aabhar sir, aapne hamare jo pratibhagi hain unko लाभान्वित किया, किस प्रकार से OERs का किस किस प्लेटफॉर्म के माध्यम से तैयार किए जा सकते हैं वो सब ज्ञान दिया, उसके लिए बहुत बहुत आभार. और प्रश्नोत्तर सत्र हमारा जो होगा तृतीय सत्र के बाद में, उसमें जो भी जिज्ञासाएं हमारे प्रतिभागियों की होंगी उनके समाधान के लिए आप उपस्थित रहेंगे. बहुत बहुत आभार सर, धन्यवाद.